हेलो दोस्तों, एविल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। आसमान में कई प्रकार के पक्षी उड़ते हैं, जैसे कबूतर, कौवा, ईगल, और रात के समय में अक्सर हमें चमगादड़ भी दिख जाते हैं, जो बड़े डरावने दिखते हैं। क्या हो अगर रात को आपको आसमान में असली का एक विशाल चमगादड़ दिख जाए, जो लोमड़ी जैसा दिखता हो। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इन चमगादड़ की स्पीशीज को जाइंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, और ये सिर्फ फिलीपींस में ही पाए जाते हैं, लेकिन इसके जैसे इंडिया में भी दिखते हैं, जिनके बारे में हम जल्द ही बताएंगे। 1831 में एक जर्मन साइंटिस्ट की रिसर्च के द्वारा इनको चमगादड़ की अलग स्पीशीज में माना जाता है। बाकी चमगादड़ अक्सर इंसेक्ट्स खाते हैं, लेकिन ये सिर्फ फली खाते हैं या कुछ वैरायटी के पत्ते। अंजीर इनका फेवरेट खाना है, और उसके पेड़ों पर ये चमगादड़ अक्सर पाए जाते हैं। दिन में ये सब सोते हैं और सांप, ईगल और इंसानों से छुपकर अपनी रक्षा भी करते हैं। रात को ये गोल्डन फ्लाइंग फॉक्स दूसरे स्पीशीज लार्ज फ्लाइंग फॉक्स के साथ मिलकर खाने का जुगाड़ करने के लिए निकलते हैं। इन स्पीशीज में अच्छी दोस्ती रहती है और एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े और भारी चमगादड़ हैं। इनका वजन 1.5 किलो के करीब होता है, और ये अपने पंख 6 फीट तक खोल लेते हैं। सिर्फ इनसे भारी वजन के चमगादड़ साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, जिन्हें इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। सारे फ्लाइंग फॉक्स अपने बॉडी वेट से 2 गुना खाना भी खा सकते हैं। अगर कोई 1.5 किलो का है तो वो 3 किलो तक खाना खा सकता है। इनका नाम गोल्डन क्राउन इसलिए पड़ा क्योंकि इनके सर पर वी शेप में गोल्डन पैटर्न है, जो गर्दन तक आता है, और पूरी शक्ल इसकी लोमड़ी से मिलती है। जब ये उड़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पंख वाला डायनासोर उड़ रहा हो, लेकिन दिखने में जितने ये भयानक हैं, उतने ही कमजोर और डरपोक भी। ये इंसानों पर और दूसरे जानवरों पर कभी हमला नहीं करते। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस और चमगादड़ में कोई संबंध है। जी हाँ, ये बात सही है। COVID-19 वायरस का जेनेटिक कोड चमगादड़ में मिलने वाला कोरोना वायरस से 96% मैच करता है। चमगादड़ की हर स्पीशीज में अलग अलग टाइप के वायरस पाए जाते हैं। गोल्डन फ्लाइंग फॉक्स में भी एक संक्रामक वायरस पाया गया था, जिसको रेस्टॉन वायरस कहते हैं, जो इबोला वायरस की कैटेगरी में आता है। ये वायरस सिर्फ जानवरों पर असर करता है, लेकिन इंसानों पर नहीं। दोस्तों, आम चमगादड़ की नज़र ज्यादा कुछ देख नहीं पाती। ये सब लगभग अंधे ही होते हैं और आवाज के जरिए अपने सब काम करते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज निकालते हैं, और ये आवाज जब किसी वस्तु से टकरा कर वापिस आती है तो चमगादड़ को डिस्टेंस पता लग जाता है। इस प्रोसेस को इकोलोकेशन या बायोसोनार कहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टडी है, अगर आप और जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन गोल्डन फ्लाइंग फॉक्स बाकी चमगादड़ की तरह काम नहीं करते। इनकी आंखें सब देख सकती है, इसलिए ये इकोलोकेट नहीं करते। और तो और, इतने बड़े पंख होने के कारण ये सब 12 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप उड़ सकते हैं। इसलिए ये आइलैंड पर अक्सर रहते हैं, क्योंकि वहाँ इंसान कम होते हैं। 2016 में इनको ऑफिशियली एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया गया था। 30 साल में इनकी तादाद 50% हो गई है। 1920 में ये 1,20,000 तक पाए जाते थे, और अब सिर्फ 5,000 रह गए हैं। इसके कई रीजन हैं। ये सिर्फ जंगलों में ही रहते हैं। सन 1900 में फिलीपींस का फॉरेस्ट एरिया 70% था, और अब सिर्फ 20% रह गया है। और तो और, आइलैंड का फॉरेस्ट एरिया 4% से भी कम है। अगला रीजन है इसका शिकार। बड़ा साइज होने के कारण इनको मारना आसान होता है, और इनसे ज्यादा मीट मिलता है। जब शिकारी इनको हवा में मारते हैं तो ये एकदम से नीचे नहीं गिरते, बल्कि ग्लाइड होकर दूर जाकर गिरते हैं। इसलिए अगर शिकारी को 10 चमगादड़ भी चाहिए तो उसे लगभग 30 चमगादड़ मारने पड़ेंगे। इनका शिकार करना इलीगल है, लेकिन फिर भी होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।